कृष्ण में आपका स्वागत है। आज मैं लपटू लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी से बहुत सिंपल सी ड्रेस लेकर आई हूँ और मैं ये दो नंबर ठाकुर जी के लिए लेकर आई हूँ कि आप दो नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ये दो कलर की है, आप चाहें तो उसको ज्यादा कलर नहीं बना सकते हैं। ये एवरेज जो कलर है आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पिंक है तो आप यहाँ पर काफी कलर में बना सकते हैं या फिर आप एक कलर में बना सकते हैं। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम चोली से स्टार्ट करेंगे, तो ये चोली से स्टार्ट करते हैं। आई फ्रेंड्स, हम अपने दो नंबर ठाकुर जी के लिए ड्रेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर एक दो कलर लिए हैं, लाइट ब्लू और लाइट पिंक, क्योंकि दोनों बहुत ही प्यारे कलर हैं और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा होता है। लाइट लाइट से कलर है और हमारे क्यूट क्यूट से कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं अपना बेस जो है वो ब्लू कलर से बनाना चाहती हूँ, लाइट ब्लू से। तो वही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर चैन बनानी होगी। तो चैन बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे हम चोली बनाते हैं हमेशा, तो चोली फ्रेंड्स जैसे मैंने चोली का लिंक दिया हुआ है आपको, तो चोली बनाने के हम लोग बहुत जल्दी चोली बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 12 चैन बनानी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमने 12 चैन बना ली। 12 के बाद हम 3 एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1, 2, 3, तो हमारे यहाँ 15 हो गई। और 15 के बाद हम यहाँ पर एक लूप लेंगे और यहाँ पर 12 वाले में इसको हम डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ पर हर एक राउंड में यहाँ पर हर एक चैन मतलब डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इस वाले को काउंट करते हुए 13 बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो आप भी बनाइए, नहीं बना। राउंड कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 की चैन बना ली है जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में यहाँ पर 1 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम 2 टाइम्स, और ये राउंड भी हम इसी तरह कम्प्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में जो हर यहाँ पर एवरी चैन में हम यहाँ पर 2-2 बार अपना यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को भी हम इस तरह से ही कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट में 1-1 टाइम्स और नेक्स्ट में 2-2 टाइम्स। इस तरह से हम अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है, 1, 2, 3 की चैन, और यहाँ पर मेरे नीचे यहाँ पर 13 थे, यहाँ पर 26 हो गए नेक्स्ट राउंड में। अब यहाँ पर हम फिर से देखिए 1 इसको काउंट किया, 1, 2, 3, 4 और ये 5, हम यहाँ पर 5 बनाएंगे और मिड में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 को छोड़ेंगे और यहाँ पर 5th में फिर से लेंगे 4 को छोड़ के फोर्थ वाले में ही। तो 1, 2 ये बैक के लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 और ये 10, हमने यहाँ पर 10 बना लिया है पीछे बैक के साइड, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब 1, 2, 3, 4 को छोड़ेंगे, 1 इसमें करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो आपको ध्यान रखना है आगे भी यहाँ पर 5 होने चाहिए आपके। तो 5 ही डबल क्रोशिया आएंगे, 2, 3, 4 और ये 5, नेक्स्ट में 5। लास्ट वाले में फ्रेंड्स हमें हल्के से थोड़ा सा नीचे से लेना होता है ताकि ये ऐसा आपको ऐसे से धागा, और ये 5 हमारे इधर डबल क्रोशिया, 5 इधर और बीच में 10। तो हमारे बिल्कुल यहाँ पर 1, 2, 3 की चैन और पीछे बैक साइड में हम यहाँ पर 1 राउंड जो है बिल्कुल जितने हमारे पास 5, 5 ये 10 और यहाँ पर बीच में 20। तो इससे हमारे यहाँ पर 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो वो मुझे यहाँ पर करनी है, ठीक है? तो आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम इसको देखिए, मेरी ये बन चुकी है चोली, यहाँ पर देखिए दोनों बाजू आ जाती हैं और अब यहाँ पर इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। स्लिप स्टिच ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फ्रॉक स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रॉक हमारी चोली कम्प्लीट हो चुकी है, हमारा फ्रॉक स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 की चैन बनते हैं, 1, 2, 3 की चैन, और उसके बाद यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर 1 बार ये डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट में 2 बार। तो आप देखिए हर एक राउंड में हर एक चैन में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, इसी तरह सिंपल डबल क्रोशिया वो भी 2-2 बार। तो इस तरह से पूरा हम राउंड कंप्लीट करते हैं, सिंपल डबल क्रोशिया 2-2 बार। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। 3 चैन के ऊपर जो होता है वहां से हम इसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए मेरा यहाँ पर इस तरह से छोटा सा फ्रॉक बनना स्टार्ट हो गया, इस तरह से देखिए ऐसे फ्रॉक बनना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर इसको
नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है तो यहाँ 1, 2, 3 की चैन बनाएंगे और 3 की चैन बनाने के बाद हमने यहाँ पर जो बराबर वाला है इसको हम यहाँ पर इसमें काउंट करेंगे और नेक्स्ट वाले में एक सिंपल यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और तो ये हमारे दो गए। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए इसको हमें 1 को स्किप करके नेक्स्ट वाले में इसको फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। इसे इस तरह से 2 का 1 और 2 का 1 फिर ये उठाना है यहाँ पे और फिर इसी वाले में फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर आपको 2 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। 1 times 3 times मतलब 2 बार फ्रंट डबल क्रोशिया। ठीक है 1 को स्किप करेंगे 1 में यहाँ पर मिड में 1 हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर 2 बार फ्रंट डबल क्रोशिया हो गया और 2 बार हमारी यहाँ पर इस तरह से ये सिंपल वाला डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम देखिए यहाँ पर 1 को स्किप करेंगे और नेक्स्ट को उठाएंगे नेक्स्ट को फिर से हम यहाँ पर अपना फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को ऐसे लेंगे और इसको हम 1 को स्किप करते हुए इसमें जाएंगे और ऐसे भी इसे उठाते हुए हुक में अपना धागा ऐसे उठाते हुए और ये धागा यहाँ से निकालते हुए फिर हम फ्रंट डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। 1 times ये फ्रंट डबल क्रोशिया फिर धागा लेंगे फिर इसको पूरा डबल जो ये तो क्रोशिया होता है ना इसको उठाना होता है फिर से यहाँ पर 2 times तो ये हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। 1 को स्किप करेंगे इसके मिड में जाएंगे और हम यहाँ पर 2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 को स्किप करेंगे और हम यहाँ फिर से अपना फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इसे ऐसे उठाते हुए यहाँ पर 2 बार अपना फ्रंट डबल क्रोशिया फ्रेंड्स उसी वाले में फिर से बनाना है ये इसलिए। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है 1 escape 1 में 2 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 फ्रंट डबल क्रोशिया। ठीक है इस तरह से ये राउंड हमें ऐसे देखिए ऊपर से हल्की हल्की यहाँ पर कली सी बननी स्टार्ट हो जाएंगी तो वैसे ही हमें कली बनानी है आप भी बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड वाले में 2 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 फ्रंट डबल क्रोशिया और 2 यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए 2 बार फ्रंट डबल क्रोशिया और 2 बार सिंपल डबल क्रोशिया। इसके बाद भी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफी आप फंदे थे तो इस तरह सर्कल मेरा यहाँ पर खराब नहीं हुआ और आराम से ये फंदा चला गया क्योंकि अगर हम यहाँ अभी से 3 बार बनाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बनना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें इसके मिड में बनाना होता है। तो मिड में देखिए 2 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया ये मेरा 3rd round है और ये मेरा कंप्लीट होने वाला है तो मैंने सोचा आपको पहले से दिखा दूं और ये फ्रंट डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रंट डबल क्रोशिया हो गया 2 बार ही यहाँ पर ये मिड में डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए यहाँ 3 की चैन आ गई तो यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया तो हमें इसके ऊपर यहाँ पर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ भी हमारे 2 डबल क्रोशिया है इसको हम 3 वाले को काउंट करते हैं 1 को 1 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था 2 ये फ्रंट डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ 1, 2, 3 की चैन और ये यहाँ पर इसी वाले में हम 3 बार अपना डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए 1 हम इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3 और ये 4 अब की बार फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 बार नहीं करेंगे डबल क्रोशिया इसके मिड में 3 बार नहीं करेंगे हमें यहाँ पर 4 times करना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 3 times करेंगे तो हम उसके मिड में फिर ऊपर नहीं कर सकेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 को स्किप किया 1 way और हम यहाँ पर 4 बार हमने यहाँ पर 4 times डबल क्रोशिया किया। फिर हम नेक्स्ट में ये देखिए 2 फ्रंट डबल क्रोशिया है इनको फ्रेंड्स हमें वैसे के वैसे ही फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट डबल क्रोशिया को कोई भी छेड़ना नहीं है जैसे बनते आ रहे हैं वैसे ही हमें बनाना है। तो देखिए ये मिड में 2 बार आ गया हमारा इनके मिड में जाना है और यहाँ से अपना सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है वो भी 4 times 1, 2, 3 और ये 4 हमारा यहाँ पर 4 times डबल क्रोशिया हो गया। अब ये फ्रंट डबल क्रोशिया 2 times ये सर्कल जो हमारा है फ्रेंड्स ये इसी तरह से कंप्लीट होना है और हमें नेक्स्ट में जब हम करेंगे तो दोबारा हम 4 times ही डबल क्रोशिया करेंगे क्योंकि हम 4 times फिर उसके बाद 6 times ऐसे करते हुए हम अपने सर्कल को बड़ा करते हैं। हमें यहाँ पर देखिए 5 way मुझे यहाँ पर 4 times ही करना था 4 times डबल क्रोशिया हो गया इसको दिया धागे को और इसको हमें फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है
ये राउंड हमारा यहाँ पर फोर्थ राउंड है और हमें ये इसी तरह से कम्प्लीट करना। सबसे पहले हमने दो दो बार, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दो बार, ये तो मैंने हर एक में दो बार डबल क्रोशिया था, तो उसके बाद हम यहाँ देखिए दो बार सिंपल डबल क्रोशिया, दो बार फ्रंट डबल क्रोशिया, फिर दो बार सिंपल डबल क्रोशिया, फिर दो बार ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया है वो डिवाइड हो जाता है। अब की बार हमने यहाँ फोर टाइम्स इसमें किया है और टू टाइम्स इसमें किया है और ये सर्कल हमारा थोड़ा ऐसे बन जाएगा और ये हमें जितना बड़ा सर्कल चाहिए फोर टाइम्स फिर सिक्स टाइम हमें यहाँ पर करना ही डिवाइडेशन में ही है कि टू फोर सिक्स एट ऐसे ही। अगर हम यहाँ पर मिडिल में नहीं बनाएंगे तो हमारा यहाँ डिजाइन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए आप उतना बड़ा ही सर्कल रख सकते हैं। तो मैं फोर टाइम्स और यहाँ पर फोर टाइम्स ही टू टू बार करेंगे, टू टाइम्स मैंने टू टू टाइम्स दो दो बार किया है, यहाँ पे दो राउंड लिए, ऐसे फोर टाइम्स के भी हम यहाँ पर दो राउंड लेंगे, ठीक है। वो हम कंप्लीट करते हैं और फिर हम सिक्स वाले पे आते हैं। यहाँ पर मैं अपनी यहाँ पर इस पे फोर्थ राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ फोर वाला वन टाइम्स ही किया है। अब देखिए नेक्स्ट मैं अपने यहाँ पर पिंक कलर ले रही हूँ। मैं आपको दिखाया था शो में ही कि मैं दो कलर से बनाऊंगी, कोई भी ड्रेस होगी अगर दो कलर से बनाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ तीन की चैन ले ली और फोर के मिड में ही हमें जाना है इसको और यहाँ पर फोर टाइम इसको भी हम काउंट करेंगे और हम यहाँ पर इसको यहाँ पर फोर टाइम्स करेंगे, इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसको काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर फोर टाइम्स हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम हमने यहाँ पर इसको ब्लू को कट नहीं किया, धागा को मैंने यहीं छोड़ दिया इसको। अब हम यहाँ पर ये फिर इसको फ्रंट जो हमारे पास है फ्रंट डबल क्रोशिया उसको हम यहाँ पर फ्रंट डबल क्रोशिया बनाते हैं। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर सर्कल बनाते तो हम इससे हमारा ये वाला सर्कल जिसे छोटा बनने लगता है तो हम यहाँ पर एक चैन बना देते हैं। मुझे यहाँ आवश्यकता कोई नहीं है पर यहाँ देखिए एक चैन ले दी और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फोर टाइम्स अपना डबल क्रोशिया किया, वन टू थ्री और ये फोर। फिर से हमने यहाँ पर इसको फ्रंट डबल क्रोशिया उठाया तो इस तरह से ये राउंड मैंने यहाँ पर दूसरा कलर देने के लिए अपना ये राउंड भी ये राउंड इसी से कम्प्लीट करूंगी मैं। और इसी तरह से हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, आप जितनी बड़ी ड्रेस बनानी है आप उसको बना सकते हैं। तो मैं इसके यहाँ पर एक राउंड या फिर दो राउंड मैं करूंगी तो इस तरह से मैं अपना बना। देखिए कोई मैंने यहाँ पर नहीं लिया है फोर्थ के बीच में मिड में यहाँ पर चैन नहीं ली है। अगर आपको चाहिए तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसे रहता है पर आप ड्रेस बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ पता चलता है। तो यहाँ पर फोर टाइम्स करें, बस ये ध्यान रखें हाथ थोड़ा हल्का सा जो यहाँ पर ये इस तरह से हम चैन करते हैं थोड़ा ढीला ही होना चाहिए, बहुत टाइट हाथ से हमें ड्रेस नहीं बनानी है नहीं तो ड्रेस जो डिजाइन है वो उभर कर नहीं आता है। इस तरह से ये राउंड आप भी कम्प्लीट कीजिए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर धागा कट नहीं किया और यहीं पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इसे हम यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से करते हुए चैन के ऊपर इस तरह से लेते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ से लिया इस तरह से निकाल दिया बिना लूप लिए हुए इस तरह से, फिर एक लिया चैन से ही फिर निकाल दिया। फ्रेंड्स इससे हमें यहाँ पर मिड में आना है, इसके मिड में तो हमें कैसे आना है इस तरह से करते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच की सहायता से जाएंगे। देखिए आपको बिल्कुल भी इसमें और इसमें यहाँ पर फर्क नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब हम मिड में आ गए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तीन की चैन बनाई, वन टू थ्री, थ्री की हमने चैन बनाई, उसके बाद वन टू दो लूप लिए और इसी धावाले में हमने निकाला अपना क्रोशिया और यहाँ से हमने इसका ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, तो दो का एक फिर दो का एक और फिर दो का एक, फिर हमने यहाँ पर फिर से एक की चैन बनाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, तीन की चैन बनाई फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर इसमें लूप नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ से जाना है इस जो मेरे पास ये इस तरह से यहाँ पर एक छेद बन गया, देखिए बहुत चैन बन गई। अब इसमें से जाना है यहाँ से निकालते हुए ये एक का एक, ये धागा तो यहाँ पर पूरा फिनिश नहीं करना है, वन टाइम्स फिर जाना है, फिर इसको फिर एक निकालना है, फिर यहाँ लूप नहीं लेना है, टू टाइम्स हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने यहाँ पर कर लिया इसमें इसके छेद के अंदर से। अब हमें यहाँ पर टाइम टाइम्स जो हम टेन करेंगे वो हम इसके ये जो मान नीचे जहां से लिया था ना
वहां से जाएंगे और इसे हिस्से से निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे हुक पर 10 बार हो चुके। अब हमें यहाँ पर फिर से धागा में लूप लेना है और 2 का 1 करना है, फिर लूप लेना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर लूप लेना है, फिर 2 का 1 करना है, लूप लेना है, 2 का 1 करना है, लूप लेके 2 का 1 करना है, लूप लिया। और ये देखिए, ये हमारे पास एक फंदा है इसमें और एक हमें यहाँ से लेना है, तो ये हमारा 2 का 1 हो जाता है। फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर ये फिनिश। ठीक है, ये हमारा वर्क फिनिश हो गया। फिर हम यहाँ पर 1, 2, 3 की चैन लेंगे और यहाँ पर फिर से हम 1, 2 यहाँ पर हम फिर से अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी वाले चेन, जो हमारा ये जहाँ पर फ्रंट डबल क्रोशिया चला था उसी के मिड में से इसको लेंगे ऐसे। यहाँ से फिर हम जाएंगे और यहाँ से फिर हम 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 फिर निकालेंगे, फिर एक बार चैन, और एक बार चैन निकालते हुए फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पर से इसे लूप नहीं लेंगे, ऐसा तो लूप नहीं लेंगे। फिर देखिए इसको हम यहाँ पर 1 times एक बार, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 और ये 8 times और 9 times। हमने 9 times इसमें से यहां से लिया और 10 times हम जो 10 वो हम भी नीचे वाले में से लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद लूप लेंगे और इस वाले को और इसमें से गिनते हुए 2 का 1, फिर इससे हम लूप लेके फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, देखिए फिर 2 का 1 इस तरह से 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 और फिर ये लास्ट में 2 का 1। हमें ये 2 times बना लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कली बनानी है और ये देखिए इस तरह से लीव्स बन जाएंगी और हमें कुल मिलाकर इस तरह से 10 लीव्स बनानी है। फिर यहाँ 1, 2, 3 की चैन, 1, 2 times यहाँ पर धागा लिया और फिर से हम अपना यहाँ पर इसी वाले छेद में से ही ट्रिपल क्रोशिया 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, चैन के बाद लूप नहीं लेंगे, यहाँ से 1 times इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पर अपना 10 बार ये कलियां बनानी है। तो आप भी बनाइए, मैं बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपको ये कलियां 10 बार बनानी है। ठीक है, आप भी बनाइए। यहाँ पर ये पूरा इस तरह से फ्लावर सा लुक बन जाता है, इस तरह से ये आता है और ये ऐसे अपने आप ही फैल जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए इससे पूरे पार्ट को हमने यहाँ पर घेर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसने एक लीफ से दोनों साइड कवर कर ली है, अब हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हमें स्किप करते हुए यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर इस धागे को छोड़ते हुए यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस धागे को ऐसे देंगे, जो यहाँ स्काई ब्लू वाला था ना उसको ऐसे देंगे। फिर हम यहाँ पे इसको भी धागे को लेंगे और दोनों को, ताकि हमारा यहाँ पर देखिए कुछ भी पता नहीं चलता, इस तरह से लेते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए, क्योंकि यहाँ हमारे कोई भी धागा नहीं चमकता, ये फ्लावर इस तरह से हमारा फैल जाता है। तो हमें ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर दोनों धागे को कवर कर लिया है ताकि मुझे अब आगे मैं यहाँ पर अपना लाइट स्काई ब्लू जो कलर है वो लूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं मिड में आ चुकी हूँ और इसको पिंक को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे ब्लू वाले को लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसमें डालते हुए एक यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये आपके बिल्कुल भी नहीं चमकेगा फ्रेंड्स। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से 1, 2, 3 की चैन, 3 की चैन बनाने के बाद इसी में जाएंगे और यहाँ पर 2 बार अपना यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे धागे पे और इसी में हम अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, 2 बार, 2 बार 1। ठीक है, उसके बाद 1 की चैन और यहाँ से लेते हुए फिर से वही डिजाइन, 1 times, 2 times, 3 times, ये 9 times हम यहाँ करेंगे, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times यहाँ फिंगर लगा लें नहीं तो आपको ये और ये 10 वाले को हम यहाँ पर इसी वाले में जिसमें इसी में हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है हमारे, जब ये पंखुरी देखिए हमारी यहाँ पे लिया था उसकी पंखुरी इधर तक आती है। ठीक है,
तो ये एरिया भी कवर हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें लेंगे और ये एरिया दोनों को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इधर से मैंने शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर दो का एक, दो का एक, दो का एक, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही इसमें भी दो का एक, दो का एक, इस तरह से दो का एक, फिर दो का एक और फिर दो का एक, ठीक है। इस पंखड़ी को ऐसे इधर कर दीजिए। फिर हम यहाँ पर 1, 2, 3 की चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 times इसमें धागा करेंगे हुक में, और इसी वाले में जहाँ ये मेरा फ्रंट डबल क्रोशिया था उसी के मिडल जाएंगे, क्रोशिया को लेंगे और हम यहाँ पर दो का एक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे और उसके बाद बिना लूप लिए हुए यहाँ पर इस तरह से धागा निकाल के और एक उस तरह से देखिए दोबारा देखिए यहाँ से हुक डाला, इसमें से निकाला, फिर इसको एक यहाँ पर सिंपल एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और हमें धागे को यहाँ पर फिनिश नहीं करना है, देखिए। और इस तरह से हमारे पास ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे आ जाते हैं, बहुत इजीली बन जाता है ये और बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हमारे पास देखिए हमें देखिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times हो चुके, 8 times और ये 9 times, 9 times हमने यहाँ से किए, 10 times वाला जो हमारा 10 है वो हम यहाँ पे करेंगे दोनों टफ्रेंट डबल क्रोशिया के बराबर में और यहाँ से धागा लेंगे, ठीक है। दो फिर अभी हमारे पास 10 हो गए। अब हमें धागे हुक में धागा लेना है, फिर से दो का एक, फिर दो का एक इस वाले को, इसको ये जो इसको मिला के दो का एक होता है, ठीक है, इसको दो का एक ऐसे करते हुए हमें इसको भी फ्लावर को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके इस तरह से फ्लावर कलरफुल फ्लावर बन जाते हैं। इस तरह से ये पंखुड़ियां निकल जाती है ऐसे करते हैं और ये इस तरह से यहाँ पर आपका फ्लावर बन जाता है। तो मैं भी इस फ्लावर कंप्लीट करती हूँ, मैं पूरे राउंड पर जितने मेरे फ्लावर बनेंगे उसे कंप्लीट करती हूँ, इसे एक एक छोड़ते हुए ही आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं भी कंप्लीट करती हूँ। ये तो पंखुड़ियां हैं, ये 10 बनानी है, मैंने ये 10 बनाई है। इसमें देखिए फ्लावर फैल के आ रहा है, यहाँ बनाने में थोड़ी सी लास्ट में दिक्कत होती है पर 10 से कम बनाएंगे तो हमारा फ्लावर खुल के नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर यहाँ पे ठीक से आने चाहिए, तो ये आपको 10 पत्तियां पूरी लगती है। मेरे फ्लावर बनकर रेडी है और मैंने यहाँ पर 10 की जो इससे लीव्स बनाई थी उसके बाद ये ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी थोड़ा सा ये जो बॉर्डर होता है मैंने वो कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि सिंपल एक एक चैन बनाकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट किया, थोड़ी सी बाजू में बनाई है, बाजू में हल्का सा मैंने यहाँ पर 3 की चैन यहाँ पर डबल डबल क्रोशिया 3-3 बार कर दिया, 2 में सिर्फ। और देखिए इस तरह से बाजू का हल्का सा लुक आ गया है और यहाँ पर ये ड्रेस बनकर रेडी है, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर रेडी है। अब मैं कुछ इसका डेकोरेशन करूंगी, वो मैं अपने मोती के अकॉर्डिंग करूंगी। मेरे पास कुछ इस तरह के मोती हैं तो मैं इसी से करूंगी, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हो। मैं इसको सुविधा से बनाऊंगी, यहाँ पर ये लगाऊंगी, ठीक है। आपको जो जैसे भी आप यहाँ पर कोई पेस्ट कर सकते हैं पर्ल वगैरह भी, तो आप इसे बनाइए, मैं बनाती हूँ। फ्रेंड्स ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिंपल सोबर सी बहुत जल्दी बनने वाली ड्रेस है। मेरे पास एक फ्लावर रखा था, मैंने यहाँ फ्लावर लगा दिया है और यहाँ देखिए सिंपल मैंने सिर्फ मोती ही लगाए हैं। आपके पास मोती देखिए इस तरह की भी आप व्हाइट मोती लगा सकते हैं, मेरे पास ये भी थे पर मैंने गोल्डन मोती लगाए हैं। आपके पास मैंने बहुत ज्यादा तामझाम नहीं लगाया है क्योंकि कई फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरे पास इतना सारा अवेलेबल नहीं है। सिंपल आप सिंपल मोती से भी आप विदाउट मोती के भी ये ड्रेस बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। तो बनाइए इसको ड्रेस को, अगर आपको पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।